खास करके मुसर पासी तो एकदम बेल्लागे भाग गया, गांव में छोड़ के जल्दी भाग। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के वरीय नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि सूबे में शराबबंदी जिस तरह से लागू की गई है यह तरीका नहीं चलेगा। शराबबंदी के पूर्व जन जागरण चलाना चाहिए था। राजद नेता का कहना था कि शराबबंदी के नाम पर पुलिसिया आतंक शुरू हो गया है, मुसहर पासी घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्होंने गया जिले के इमामगंज शेरघाटी इलाके का दौरा करने के बाद शराबबंदी के तौर तरीके को लेकर इस संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनिए पूरी बातचीत। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू। हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के वरीय नेता श्री उदय नारायण चौधरी साहब। हम बात करेंगे सूबे में ताज़ा राजनीतिक हालात की। अभी कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन ही शराबबंदी को लेकर, अपराध को लेकर तमाम बातें सामने आई हैं। विपक्ष के लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, अपनी नाराज़गी सामने रखी है कि शराबबंदी जिस तरह से लागू की गई, जो उसके नतीजे सामने आए, जो जहरीली शराब से मरने के तमाम मामले सामने आए, उस पर हम सीधे बात करते हैं चौधरी साहब से। क्या सोचते हैं सर शराबबंदी पर? शराबबंदी अच्छी चीज है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन उसके तौर तरीका ना होता है कि कैसे बंद हो। सिगरेट के हर डिब्बे पर लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसके बावजूद आदमी करे जाना जराता है। मैंने एक तो हिंदू धर्म जो कहता है तो कहता है कि मुंह में आग दे, मरे समय मुंह में आग दिया जाता है, और तो खरीद करके जिंदे रोज दिन 100 रुपया के मुंह में आग लगा रहा है। ये लेकिन इसलिए ये है कि आपने तो लिख दिया लेकिन फिर भी वो पी रहा है यूरिया से, तो उसके लिए तो कोई सजा नहीं हो रही है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बिना शराब के ही उनको एक नशा हो गया है। तो आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी जो चीज सामने आ रही है शराबबंदी में, जो विपक्ष की ओर से बात आ रही है कि 3 लाख लोग जेल भेज दिए गए, गरीबों को तंग किया जा रहा है, खास करके जो पासी समाज है, जो ताड़ी पर आश्रित था, जिसका पुश्तैनी काम था, उसको रोक दिया गया, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए, इन तमाम बातों पर देखिए जो विपक्ष कह रहा है कोई गलत तो कह नहीं रहा है, उसमें एक शब्द भी और एक लाइन भी कोई गलत नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5वीं या 6वीं बार इसकी समीक्षा किया कि अब शराब नहीं बिकेगी इसका, तो क्या शराब बिकना बंद हो गया? क्या शराब नहीं मिल रहा है? ये सब आईवास है। बिहार की आम जनता को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और वो 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू आता बिहार सरकार के पास, वो अब इनके माफिया के पास जा रहा है, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू। और शराब से होम डिलीवरी शुरू हो गया, शराब बंद है, होम डिलीवरी। अब 2 साल जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन में नौजवान लड़कों को तो नौकरी मिला नहीं, लेकिन एक नौकरी मिल गया कि एक बोतल दो बोतल शराब पसाओ 50 रुपया पाओ। ये सर्वविदित हो गया और कहीं रुकी हुई नहीं है शराब। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि धरातल पर इसके बारे में विचार कीजिए। ठीक बात है कि शराबबंदी आपने कर दिया, हम लोग भी इसके पक्षधर हैं, लेकिन जिस ढंग से शराबबंदी को लागू किया गया वो तरीका नहीं चलेगा। पहले इसके बारे में जन जागरण चलाना चाहिए था, लेकिन इनको तो कोई कह दिया, कहते हैं कि 2 महिला कह दी तो उन्होंने लागू कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुछ दलित विरोधी लोग थे उन लोगों ने कह दिया, सब मुसहर सब पासी को, एक से एक जितना मुसहर पासी है
सब इधर 16 तारीख के बाद अपना अपना घर छोड़ के भाग गया। पत्नी कहीं है, बच्चे कहीं हैं, माँ बाप कहीं है, छोड़ के भाग गया। क्या है ये पुलिसिया आतंक जो शुरू हो गया तो उससे भाग गया बेचारा जी। खास करके मुसर पासी तो एकदम बेल लागे भाग गया, गांव में छोड़ के जल्दी भाग, ये हो गया। अच्छा, अभी अपराध पर भी कुछ चीज, लगभग लाखों लाख लोग जेल चले गए, बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बिना माँ बाप के हो गए। आप बताइए 12 महिला पुरुष को सिवान में आजीवन कारावास हुआ शराबबंदी में, क्या किसी एक बड़े घर के आदमी को आजीवन कारावास हुआ शराबबंदी में? पीने वाला पिलाने वाला दोनों है, ये तो बड़ा सवाल है कि गरीब लोग उसमें। और मुजफ्फरपुर में अगर देसी विदेशी शराब पकड़ा जाता है तो कई जिला पार करके पहुंचता है, तो दोषी पीने वाला है कि दोषी पिलाने वाला है, बेचने वाला है? दोषी तो सरकार है कि उसका इतना बड़ा महकमा, एसपी, डीएम, कमिश्नर, एसडीओ, बीडीओ, दरोगा, सीओ, थानेदार, डीएसपी सब है, लेकिन फिर भी पहुंच जा रहा है। मूल बात यह है कि सबकी मिली भगत है। अब कहीं कहीं दिखाया कि एक ट्रक माल पकड़ा गया शराब, तो 5 ट्रक पहले पार कर दिया, एक ट्रक पकड़ के देखा दिया, तो कहे इसकी बाप रे बाप, ये तो कमाल क्या है भाई, अफसर हमारा।